अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और जितने स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग जो है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था फिल्मोरा या फाइनल कट प्रो। आज मैं आपको सबसे पहले, आप लोगों ने अक्सर टीवी चैनल्स के अंदर देखा होगा कि लोगो जो है वो रोटेट हो रहा होता है, तो उसके लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर है ज़ारा 3D के नाम से। आपकी मर्जी कि आप ये डायरेक्टली जो है उस पर बना लो या आप ज़ारा 3D के अंदर इस सॉफ्टवेयर को जो है इस लोगो को जो है वो डिज़ाइन कर लो, तो ये आप पे डिपेंड है। मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको ये सॉफ्टवेयर जो है बआसानी जो है वो मिल जाएगा और इसके अंदर जो है आप अपनी मर्जी से लोगो या टेक्स्चर या जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हो वो बआसानी आप लोग कर सकते हो। मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ सॉफ्टवेयर को। लास्ट लेक्चर की जो वीडियो है वो उसमें क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी तो एक तो प्रॉपर हो नहीं पाई। आज इंशाल्लाह होप टू से कि तीन चार सॉफ्टवेयर हैं, मैं इन तीन चार सॉफ्टवेयर्स को सबको रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया था वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन आज हम इसके साथ दो सॉफ्टवेयर मैं और मर्ज कर रहा हूँ, तो उम्मीद है उससे काफ़ी आप लोगों को जो है वो बेहतर पता चल जाएगा कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक जो है उनको बंद रखें ताकि लेक्चर के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ये ना हो। ओके जी, मैं सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर शेयर करने लगा हूँ वो आप लोग के सामने है ज़ारा 3D। आप इसको किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो चंद क्लिक के ऊपर, यानी 3-4 क्लिक के ऊपर कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस है जिस वक्त आप देख रहे हो और ये हमारे पास यही कमांड्स हैं जो कमांड आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले मेरे पास टेक्स्ट की कमांड है, तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है आप उस टेक्स्ट को सिंपल यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक टेक्स्ट जो है ये लिखा है हजवेरी यूनिवर्सिटी के नाम से। आप अपनी मर्जी का जो भी फॉन्ट इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके। ये देखें, अब वन बाय वन आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो यहां पे देखें कि जितने भी आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्सेस हैं वो जो मैं यहां से क्लिक करूंगा वही डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपकी मर्जी, आप इन आइकन के थ्रू काम कर ले, आप लोग की मर्जी, आप डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स में चले जाएं और उसमें काम कर लें। यहां से आप देखें बआसानी जो भी कलर आप इसके ऊपर लगाना चाह रहे हो वो आप लगा सकते हो। इसके बाद कलर के बाद मैं इसका फॉर एग्जाम्पल फेस का कलर डिफरेंट करना चाह रहा हूं, तो ये देखिए मैंने फेस का कलर जो है वो चेंज कर दिया है और जो उसकी साइडें हैं उनका कलर जो है वो चेंज है। साइड्स के ऊपर हम जाते हैं, ये देखिए साइड्स का कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से आप जो भी कलर रखना चाह रहे हो आपके पास यहाँ पे ह्यूज लिस्ट है, आप इसमें से अपना कलर सेलेक्ट करो। हत्ता कि जो लाइट्स लगी हुई हैं इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन जब हम एनिमेशन लगाएंगे तो उसके अंदर आपको वो लाइट्स जो है वाज़े नजर आएंगी। आप उनका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो और बआसानी जो है वो इसको जो है वो ईजिली सीख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सटेंशन, यानी कि जो इसकी डेप्थ है आप इस डेप्थ को जो है वो कम और ज्यादा भी कर सकते हो। ये देखें, मैं मेरी मर्जी, मैं इस टेक्स्ट की डेप्थ ज़्यादा कर लूँ, कम कर लूँ, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। इसके बाद है डिज़ाइन ऑप्शन, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैंने बॉर्डर ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप अगर टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना चाह रहे हो आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी बआसानी जो है वो कर सकते हो। मैंने इसमें फिलहाल सेंटर टेक्स्ट रखा हुआ है और इसके अलावा कोई भी मैंने यहाँ से और जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट है जी बीवल ऑप्शन, आपकी मर्जी, आप अपने इस टेक्स्ट के ऊपर या जो भी आप लोगो डिजाइन करना चाह रहे हो उसके ऊपर जिस तरह का
आप बीवल ऑप्शन लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप नहीं रखना चाहते आप ना रखें। डिपेंड करता है कि आप अपने लोगों को या अपने टेक्स्ट को जिसको आप एनिमेट करना चाह रहे हो वो किस तरह का आप जो है वो देखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखें काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं, आप जो मर्जी इसमें से टाइप सेलेक्ट करो और उस टाइप को सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जी शेडो, मुझे फिलहाल इसका शेडो नहीं चाहिए इसलिए मैं शेडो को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। टेक्चर है, इस वक्त हमने क्योंकि डायरेक्टली कलर अप्लाई किया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसके ऊपर कोई टेक्चर अप्लाई करूं तो आपने टेक्चर के ऊपर क्लिक करना है और लोड में चले जाना है, और जैसे ही आप लोड टेक्चर करेंगे आप अपनी मर्जी की पिक्चर जो है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये देखें इस वक्त हमें जो हमारी मर्जी की पिक्चर है वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अगर मैं टेक्चर नहीं लगाना चाहता तो वापस ही अपने कलर्स में आ जाएगा, और अगर आप टेक्चर लगाना चाह रहे हो तो जो भी इमेज आपने सेलेक्ट करनी है वही इमेज आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है वो एज अ टेक्चर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद है जी एनिमेशन, अब आप अपनी मर्जी से यहां से जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हो। ये देखिए मैं इस एनिमेशन को पिकर पे क्लिक करता हूं, यहां पे आपके पास मुख्तलिफ तरह की एनिमेशन पड़ी हुई है, आप इसमें से जो भी एनिमेशन लगाना चाहो वो लगा सकते हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये रोटेट का अल्टरनेटिव रोटेट इसको सिलेक्ट किया है और ओपन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी मर्जी है AVI फाइल बना लो, मर्जी इसकी जिप फाइल बना लो, मर्जी इसका MP4 बना लो, यानी मुझे अपने वीडियो एडिटिंग के अंदर एज अ वीडियो इस को जो है वो अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये देखिए मैं फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एनिमेशन यहां पे गया, नीचे से आप देखें जिफ है, AVI है, एनिमेटेड कर्सर है, फ्लैश की फाइल्स है। मैं फिलहाल इसकी AVI डिजाइन जो है वो करता हूं, टेस्ट लोगो मैंने इसका नाम रखा, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सेव किया है, नॉर्मल अभी जो भी स्टैंडर्ड इसका साइज है उसी को देखते हुए मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, और नीचे आप देखें रेंडर हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रेंडर होने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये आपके पास मौजूद है। मैं यहां से अब डेस्कटॉप के ऊपर आता हूं, ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इस फाइल को दोबारा से ओपन किया है, और अभी ये फाइल जो है जो हमने एक सेकंड का लोगो बनाया था आपके सामने इस वक्त रोटेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। दोबारा प्ले कर रहा हूं, ये देखें जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को ज़ारा 3D में समझ नहीं आई, मैं रिपीट करने लगा हूं, अब मैं ज़ारा 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एक लोगो को यानी यूनिवर्सिटी के ही लोगो को जो है वो रोटेट करूंगा और उसकी एनिमेशन जो है वो क्रिएट करूंगा। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ये देखिए मैंने दोबारा से सॉफ्टवेयर को शेयर किया, और इस दफा मैं सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट की जगह मैं टेक्स्ट को यहां से खत्म कर रहा हूं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट को टोटली जो है वो रिमूव कर दिया है, ये देखिए इस वक्त मेरा टेक्स्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं डिजाइन में जाके टेक्स्ट की जगह बटन ले रहा हूं। ये बटन इस वक्त मेरे पास आ गया, आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह से इसकी सेटिंग है वो करना चाहो वो कर लो। ये देखें मैं इसको प्रॉपर जो है वो ओवल करना चाह रहा हूं। एनिमेशन को हम लोग अभी स्टॉप करते हैं ताकि हमारे पास जो डिजाइन है वो फाइनलाइज हो जाए। ये देखें जी हमने एक लोगो जो है अपने पास वो फाइनलाइज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से इसके कलर पे आता हूं, शेडो हमें इसका नहीं चाहिए, शेडो को मैंने रिमूव किया टेक्चर की जगह। अब आपने क्या करना है कि आपने टेक्चर में जो भी, देखिए मैंने लोगो हजवेरी का सिलेक्ट किया और इस वक्त लोगो जो है वो इसके ऊपर जो है वो आ चुका है। अब आप क्या करोगे, दोबारा से अपने कलर्स में जाओगे और इसकी जो साइड्स हैं इनको अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर लो। ये देखिए मैंने इसका जो साइड्स है वो चेंज किए हैं, अभी टेक्चर जो है वो हमने रिमूव किया हुआ है। अब दोबारा से मैंने टेक्चर को अप्लाई कर दिया है,
साइड्स का कलर जो है वो हमने चेंज कर दिया। इसी तरह से जो भी कलर आपने इसका रखना है वो आप रख लो। बाद में हम बीबल के अंदर जाके, ये देखिए मैं बीबल में आ चुका हूँ और बीबल में जाके इसकी सेटिंग जो है वो करते हैं। अगेन हम अपना टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए टेक्सचर मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब हम बीबल में गए। जिस स्टाइल में आप इस अपना बीबल रखना चाह रहे हैं, अभी इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, मैंने इसकी डेप्थ जो है वो कम की है थोड़ी सी। इसी तरह से डिजाइन की डेप्थ जो है वो भी बहुत ज्यादा है, आप इसकी डेप्थ भी जाके कम करें। यानी जितना आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है आप उसके मुताबिक जो है इसकी डेप्थ रखें। अब हम एनिमेशन पे जाके इसको दोबारा से जो है वो रोटेट कर लेते हैं। ये देखें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से एनिमेशन पिक करता हूं और इसकी एनिमेशन जो है वो मैं चेंज कर देता हूं। आप देखें आपके उसी ऑब्जेक्ट की जो एनिमेशन जो हमने लास्ट टाइम लगाई थी, अब वो एनिमेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। आप इसको जिस तरह से चाहो ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हो। अगेन अब मैं क्या करता हूं, एक तो इसको लूप पे ये चलता रहे बार बार, जितनी दफा आप इसको लगाना चाहते हो आप इसका लूप लगा सकते हो। दोबारा हम गए फाइल एक्सपोर्ट एनिमेशन और इसमें दोबारा से अब मैं इसका नाम रखता हूं टेस्ट लोगो। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट आपका रेंडर हो रहा है। जैसे ही इसकी रेंडरिंग कंप्लीट होगी ये लोगो हमारे पास AVI की फॉर्म में बन के हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज़ारा 3D के अंदर मल्टीपल लोगोज, मल्टीपल टेक्सचर, मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट हैं उनको बना के अपने वीडियो एडिटिंग के लिए अलहदा से रख सकते हो और उसके बाद आपको जब आप जरूरत पेश आए आप उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगेन मैं इसको शेयर करने लगा हूं। ये देखिए इस वक्त मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये मौजूद है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर पहले इसको जरा एग्जीक्यूट कर लूं, उसके बाद मैं आपके सामने जो है इसको शेयर कर लूं। ये देखिए अब वही लोगो जो अभी हम लोगों ने रोटेट किया है वो आपके सामने जो है इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। आप इसकी एनिमेशन बढ़ाना चाहते हो आप इसकी एनिमेशन बढ़ा लो, जितने भी इसको पिक्सल्स के ऊपर या जितना भी आप इसका लूप लगाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। आप इसको रिपीट में अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल लोगोस, मल्टीपल टेक्सचर्स, मल्टीपल जो भी आप ऑब्जेक्ट डिजाइन करना चाह रहे हो वो बना के आप जो है वो रख सकते हो। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था वो फिल्मोरा या फाइनल कट प्रो, इसको इस्तेमाल किया था और इसके अंदर हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो जो है वो एडिट की थी, उसमें कुछ इमेजेस लगाए थे, कुछ वीडियो लगाए। आज मैं उसके साथ यानी उससे पहले एक और सॉफ्टवेयर हमारा है कम्स्टिया, मैं इसको शेयर करने लगा हूं आपके सामने। इस वक्त स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने अपनी वीडियो जो है वो एडिट करनी है। आप ये भी किसी भी वेबसाइट से इसको आसानी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि मैंने इस वक्त कम्स्टिया आपके सामने जो है वो शेयर किया हुआ है। यहां से आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए मैं नए प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो टेक्समिथ कम्स्टिया सॉफ्टवेयर जो है इस वक्त मेरे सामने जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी इसका इंटरफेस जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही डिस्प्ले होगा तो ये थोड़ा बहुत ये सॉफ्टवेयर आपको ऐसे मिल नजर आ रहा होगा जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम फिल्मोरा के ऊपर काम किया था। कम्स्टिया का सॉफ्टवेयर भी तकरीबन
इससे मिलता जुलता है और इसी तरह से ही हमें नजर आ रही है। देखें यहां पे हमारे पास सबसे पहले मीडिया है। आपने मीडिया में कोई भी अपनी इमेजेस, अपना साउंड, अपनी ऑडियोज, अपनी वीडियोज, इनको आप आसानी जो है वो डिस्प्ले करें। यहां सिंपल मैंने क्या इंपोर्ट किया, ये देखें इंपोर्ट के अंदर हम अपने टारगेट पे चले जाते हैं जहां पे हम लोगों ने अपनी चीजें जो है रखी हुई है। ये कुछ इमेजेस हैं, मैं इनको इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसी के साथ अब मैं कुछ वीडियोस जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैं कुछ वीडियोस जो है इंपोर्ट करने लगा हूं। ये मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर ली और साथ में ही मैं कुछ साउंड जो है अपनी मर्जी का वो जो है वो भी साथ अप्लाई कर लेता हूं। तो मैं साउंड के फोल्डर में जाता हूं और वहां से कोई भी जो है इसका भी तरीकाकार वही है कि आपने जो भी काम करना है उसको टाइम लाइन के ऊपर ड्रैग करना है। ये देखें टाइम लाइन के ऊपर हमने अपनी इमेज जो है वो ड्रैग की है। अब आप इसका जितना भी साइज रखना चाह रहे हो आप सिंपल इसको यहां से ड्रैग कर लो। ये देखिए मैं इसको सिंपली यहां से ड्रैग कर रहा हूं तो कुछ सेकंड्स में 10 सेकंड्स तक मेरी ये इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। और यहां पे अगर आप गौर से देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज यानी जो इमेज आपने ली है इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यहां पे आपको डिस्प्ले हो रही है। आप इसको कम करना चाह रहे हो, ज्यादा करना चाह रहे हो इसकी कैपेसिटी, तो ये आप पे डिपेंड है आप किस तरह से इसको यूज करते हो। साथ ही मैं वीडियो जो है उसको भी ले रहा हूं। ये देखिए मैंने वीडियो इसके ऊपर प्लेस की है और जैसे ही मैं इसके ऊपर वीडियो प्लेस कर रहा हूं और इसका साइज मैं बढ़ा देता हूं ताकि जो हमारी वीडियो है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दोनों इक्वल नजर आए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, मैं अपने इस वीडियो को मैं नीचे करता हूं क्योंकि मुझे मिड में से ये पिक्चर जो है वो शो करवानी है। ये देखिए अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा। जैसे ही मेरी ये पिक्चर चलेगी यहां पे हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहे हैं। अब देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम की और नीचे से जो मेरी वीडियो है वो डिस्प्ले हो गई है। ज्यादा आपने नहीं रखनी ताकि आपके पास, ये देखिए मैंने इसको इस वक्त प्ले किया हुआ है, आपने वो लेवल रखना है जहां पे आपको नीचे से वीडियो जो है लेने में आसानी हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ इतनी ही डिस्प्ले हो, बाकी वीडियो मैं फिलहाल करना चाह रहा हूं, रिमूव करना चाह रहा हूं। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया, यहां पे आप देखें आपके पास एक आइकन बना हुआ है सेपरेट, इट मींस या तो आप एस प्रेस कर दें या आप यहां पे ब्रेक कर दें। मैं यहीं से इसको कट करता हूं। ये देखिए अब आपकी वीडियो कट हो चुकी है, इसको मैंने यहां से सेपरेट कर दिया और ये वो वीडियो का पोर्शन है जो कि हम लोगों ने अभी अपने इसके लिए सेलेक्ट किया एनिमेशन के लिए। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, इसी में अपनी साउंड वाली फाइल जो है वो लगा देता हूं क्योंकि फिलहाल जो है मैंने साउंड अभी मुझे चाहिए। ये देखें मैं चाहता हूं कि जो मेरी वीडियो डिस्प्ले है उसके ऊपर साउंड मेरा हो। ओके जी, अब मैं ये क्या करता हूं यहां से इसको सेपरेट कर लेता हूं। मैंने इसे ब्रेक किया और इसको मैं सिंपल डिलीट कर देता हूं। अब जितना म्यूजिक मुझे यहां से रिक्वायर्ड है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके आगे उसी वीडियो का जो म्यूजिक है या उसी वीडियो का जो हम प्ले करना चाह रहे हैं एट इट इज वही चलता रहेगा। तो मैं क्या करता हूं इसको दोबारा प्ले करता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां से मेरी वीडियो जो है वो जूम हो, तो आप इसको भी यहां से स्प्लिट करें। स्प्लिट करने के बाद अब आप देखें आपके पास मीडिया के अलावा नोटेशंस पड़ी हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के आइकन्स हैं जो आप अपनी वीडियो के अंदर डायरेक्टली जो है वो लगा सकते हो। ट्रांजेक्शन पड़ी है,
आप यहां से अपनी मर्जी से जो भी ट्रांजैक्शन अपनी वीडियो पे लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो। इसी तरह से बिहेवियर पड़ा हुआ है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वीडियो पे ये लग जाएगा। एनिमेशंस पड़ी है, कसर की सेटिंग पड़ी हुई है, वॉइस है, ऑडियो है। ऑडियो को आप कम करना चाह रहे हो, ज्यादा करना चाह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये शुरू में जो है वो थोड़ा सा फेड इन हो जाए, तो मैंने ये यहां पे अपना फेड इन जो है वो लगा दिया है। अब क्या होगा कि ये वीडियो आहिस्ता आहिस्ता यहां से जो है वो साउंड प्ले होगा। ये देखो, इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन में जाते हैं और यहां पे या आप वीडियो के स्केल पे आ जाइए। देखें, मैं चाहता हूं कि आपकी वीडियो जो है वो कुछ स्केल ऐसे कर जाए, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से इसकी स्केलिंग जो है वो बढ़ा सकते हो। मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूं। इससे क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्केलिंग जो है वो अप हुई है और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ जी शेयर में जाके आपने करना लोकल फाइल, ओके। ये कोई इसका प्रॉब्लम है, यहाँ से आप देखिए आप इसकी सेटिंग जो आप रखना चाह रहे हो MP4 स्मार्ट प्लेयर के लिए, हम इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। जो भी आप इसका नाम देना चाह रहे हो वो आप नाम ले लें। इसको हम कॉम्स्टिया के अंदर ही सेव कर रहे हैं, फिनिश। तो ये देखिए आपकी एक छोटी सी वीडियो जो है वो बनना शुरू हो गई है। इस तरह से आप कॉम्स्टिया का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके भी वीडियो एडिटिंग जो है वो कर सकते हो। इसकी जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है हमारे पास ये वीडियो आ जाएगी और उस वीडियो को हम सिंपल प्ले करके जो है वो देख लेंगे। अभी फिलहाल हमारी शेयर वीडियो के अंदर ये जो है वो बन रही है, जैसे ये रेंडरिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम अपनी वीडियो को जो है वो प्ले कर लेंगे। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया सबको। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो जो है वो प्ले कर सकते हो। ये देखें आपके पास ओपन हो गई है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो
वो आपको जब जब इसका वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा उसमें आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि बाज का ये होता है कि मल्टी स्क्रीन चल रही होती है रेंडरिंग के दौरान, वो एक और स्क्रीन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई थी, तो वो रेंडरिंग का एरिया जो है वो उस वक्त शेयर नहीं हो सकता था। तो जब आप इसकी वीडियो देख लोगे तो उस वक्त जो है वो आपको वाज़े क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया जी सबको? जी सर। ओके जी, अभी तक हम लोगों ने अब ऐसा अपना माइक बंद करो। जी जी सर, जो आपने बताया 3D लोगो एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर, सर जो लोगो उसी में बनाया जाएगा उसी की एनिमेशन होगी या जो इलस्ट्रेटर में बनाया जाए लोगो उसकी भी वो 3D एनिमेशन बनाते? नहीं, उसमें ये है कि आप कोई भी इमेजेस लेके, ये जरूरी नहीं है आप इलस्ट्रेटर में बना लो, आप कोरल ड्रा में बना लो, अडोब फोटोशॉप में बना लो, फ्री हैंड में बना लो, 3D स्टूडियो मैक्स में बना लो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप 2D लेवल का लोगो बनाओगे, आप उस सॉफ्टवेयर को यानी पिक्चर जब वो आपके पास बन जाएगी, उस पिक्चर को सिंपल आपने ज़ारा 3D के अंदर बटन को कॉल करके उसके ऊपर एज ए टेक्चर आपने अप्लाई करनी है, और उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे कि उसको वहां पे कोई भी एनिमेशन जो है वो पिक करके उसके ऊपर लगा दोगे। अब वो जो एनिमेशन जब लगेगी तो उससे वो लोगो जो है वो रोटेट होना है या उसने अप एंड डाउन होना है या लेफ्ट एंड राइट होना है, जो भी एनिमेशन का टाइप आप सेलेक्ट करते हो वो साथ के साथ जो है वो उस पर अप्लाई हो चुकी होगी। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आप इसी में ही बैठ के लोगो बनाओ। देखें कि मैंने भी अभी आपके सामने जो लोगो डिजाइन किया है वो सिंपली क्या था कि एक टेक्चर इमेज फाइल जो है वो नेट से डाउनलोड करके रखी हुई है लोगो की, और उसको एज ए टेक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और उससे क्या हुआ कि वो जो एक एनिमेशन थी लोगो की वो बन गई। अब बाद में जो भी आप एनिमेशन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो वीडियो एडिटिंग के लिए, चाहे आप कॉमस्टिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप फिल्मोरा इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनल कट प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, अडोब प्रीमियर इस्तेमाल कर रहे हैं, अडोब आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर कलेक्शन होनी चाहिए जिसमें आपके इमेजेस होंगे, आपके आर्टवर्क होगा, आपकी अपनी वॉइस होगी, आपके सॉन्ग्स वगैरह एडिट किए हुए होंगे, या आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री होगी। यानी कि आपने पहले कलेक्शन इकट्ठी करनी है, उस कलेक्शन को जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी वीडियो के अंदर एनिमेटेड चाहिए, तो आप उन्हीं ऑब्जेक्ट को जो है वो ज़ारा 3D में सॉफ्टवेयर है, स्विश मैक्स का सॉफ्टवेयर है, आप उनके अंदर फ्लैश का सॉफ्टवेयर है, उनके अंदर आप उनकी एनिमेशन बनाएं और उसकी AVI या MP4 बना के, अगर आपने AVI बनाई है और आप उसको अब MP4 बनाना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। ये बड़ा आसान सा सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है कि आपकी कोई भी वीडियो की फॉर्मेट है ये उसको किसी दूसरी फॉर्मेट के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। इसका नाम है फॉर्मेट फैक्ट्री। ये देखें, ये वीडियो के लिहाज से है, आपके पास अगर AVI है और आप उसको MP4 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वो इजीली उसको MP4 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से ऑडियो के लिहाज से है, अगर आप ऑडियो के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो ये देखिए ऑडियो के लिहाज से है, आप वीडियो सॉन्ग को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप उसका जो भी फॉर्मेट रखना चाह रहे हो वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से पिक्चर्स को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, वो मुख्तलिफ फॉर्मेट में है लेकिन आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट आप चेंज करना चाह रहे हो आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसी में बैठ के वीडियोज को मर्ज भी कर सकते हो, यानी आप फ्रंट एंड पे कोई भी सॉन्ग लगा दो, फ्रंट एंड पे कोई भी वीडियो लगा दो, बैक एंड पे कोई भी सॉन्ग लगा दो, तो आप इस सॉफ्टवेयर फॉर्मेट फैक्ट्री सॉफ्टवेयर का सहारा लेके भी ये काम कर सकते हो, तो आप पे डिपेंड है। अभी सेशन क्लोज होने लगा है, सेशन क्लोज होने के बाद इसको जल्दी रिज्वाइन की दिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है फिल्मोरा के ऊपर दोबारा से एक वीडियो एडिटिंग जो है वो कर सके। जी, और किसी का स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।